भाई ये दो परिवार आएंगे तो वोट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कौन कौन से दो परिवार? चौटाला परिवार और जो वीरेंद्र परिवार है। जो जी करे तो भाजपा में कूद जाए, जी करे कांग्रेस में कूद जाए। तो हमारे कांग्रेस वाले का कहना है जो कोई सीटड़ी तो हमने कटवानी हो तो परिवार तो आपका परिवार है। नहीं हमारा परिवार जे हमारा परिवार मतलब जे हमारा परिवार गुंडा है 55 साल से वीरेंद्र परिवार ने कुछ नहीं करा। यह बात अलग है कि हमारा परिवार है पर हमारा परिवार का चक्कर में उचाणा का नाश नहीं कराया जाता। सिक्किम जी क्या कहना चाहोगे आज जो पुतला फूंका गया नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी का? कहना यह चाहेंगे कि लठ मारना था और काले झंडे दिखाने थे। गलती तो हमारी रहेगी कि भाई हमने इनता अपेक्षा करी क्योंकि बीजेपी के तो चाहे कुत्ता और चाहे बिल्ली और चाहे मुख्यमंत्री और चाहे प्रधानमंत्री हो तो सारे एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमने ज्ञापन इस करके देना चाहता था भाई नया नया मुख्यमंत्री है शायद हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। 16 महीने तक हम लगातार उचाणा तहसील में बैठे हैं जहाँ से MP भी था और जहाँ से डिप्टी CM भी था पर उसके बावजूद भी हमारी जो मांगे उन पर संज्ञान नहीं लिया गया। हमने गलती तय मुख्यमंत्री तय अपेक्षा कर ली और उस अपेक्षा के चक्कर में सारा दिन हमें नजरबंद रखा गया। उसके बाद जब उनसे ये लग गया कि भाई यू दफ्तर का उद्घाटन करना आवेगा रणजीत वाला दफ्तर का उचाणा में भाई कदा ये बहिष्कार नहीं कर दे बस में बिठाया करना रेस्ट हाउस में रखे तो ना तो ये कह सकते कि भाई ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं। इनकी तो लोकतंत्र की धज्जिया उड़ा रखी है ना इसमें कानून बचा ना लोकतंत्र बचा ना बाबा साहब का जो अम्बेडकर का जो संविधान था ना वो बचा क्योंकि ज्ञापन हमने कल 3 देने थे। एक हमारा संयुक्त मोर्चा जो उचाणा लगातार पक्का धरना लगा हुआ है मोर्चा उसका ज्ञापन था। एक नीलम आजाद को जो UAPA लगाया हुआ है उसकी रिहाई के लिए उसके जो साथी हैं उनकी रिहाई के लिए भी हमने ज्ञापन देना था। इसके अलावा आंगनबाड़ी जो बहने थे यहाँ से सुमन बहन जो टर्मिनेट कर दी गई है उसके लिए भी ज्ञापन देना था। जो सुमन बहन थी और जो आंगनबाड़ी वर्कर थी वो चली गई थी इंतजार करके। उसके बाद हमारे पास 2 ज्ञापन थे दोनों ज्ञापन जो ज्ञापन है ज्ञापन लेना भी मुख्यमंत्री ने सही नहीं समझा वोटों के टाइम तो आप इससे क्या उपेक्षा रख सकते हो। मेरी तो एक ही मतलब आम जनता से अपील है कि आने वाले टाइम में मुंह तोड़ जवाब दो। जैसे हमारी बेटी ने रोजगार के लिए संसद के अंदर एक कलर बम जो धमाका किया था ऐसा ना हो कि ये धमाके असली में ना मतलब तब्दील हमें करने पड़ जाए। कोशिश ये करें कि उन जो हमारे साथी है नीलम आजाद है और उसके जो साथी हैं उनको रिहा किया जाए और जो हमारे साथ अन्याय किया गया हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री ने नहीं लिया DC उसका जवाब दे कि हमारा ज्ञापन क्यों नहीं लिया। ऐसी कौन सी समस्या थी कि हम ज्ञापन भी नहीं दे सकते? कोई बम देने नहीं गए थे उन लोगों को? लोकसभा ही बात करें या फिर हरियाणा मतलब किस तरह के आदमी आने चाहिए जो लोकसभा लोकसभा से यह बात तो भूल जो भाई ये दो परिवार आएंगे तो वोट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कौन कौन से दो परिवार? चौटाला परिवार और जो वीरेंद्र परिवार है। जो जी करे तो भाजपा में कूद जाए, जी करे कांग्रेस में कूद जाए। तो हमारे कांग्रेस वाले का कहना है जो कोई सीटड़ी तो हमने कटवानी हो तो परिवार तो आपका परिवार है। नहीं हमारा परिवार जे हमारा परिवार मतलब जे हमारा परिवार गुंडा है हमारा परिवार यदि शोषण करता है तो मैं तो अपने बेटे की और अपने घर वाला की भी नहीं गेला खड़ी हूँ। ये तो हमारा परिवार है परिवार परिवार की जगह है। यदि वहाँ से हमें ये लगता है कि हमारे उचाणा को हमारे हिसार इलाके को यदि कोई नुकसान हो रहा है 55 साल से वीरेंद्र परिवार ने कुछ नहीं कराया। यह बात अलग है कि हमारा परिवार है पर हमारा परिवार का चक्कर में उचाणा का नाश नहीं कराया जाता। 55 साल हमने नाश कर लिया कोई नया चेहरा फ्रेश चेहरा लेकर आवेंगे तो वोट ले लेंगे नहीं तो किसानों की तरफ से भी हो सकता है कोई निर्दलीय MP जो सरसा है और जो इशारा यहाँ से उतारने का काम करेंगे क्योंकि हमें वोट उसी को देंगे जहाँ हमें ये लगता है कि हमारा वोट का सही इस्तेमाल हो रहा है। विधानसभा तो चुनाव भी लगभग 6 महीने बाकी है तो उचाणा का किस तरह के रहस्य? उचाणा का रुख है एक नया आगाज हम यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे। एक तीसरा नया प्रेस चेहरा होगा जो उसको यहाँ से उतारने का काम करेंगे। पार्टियों पे हम ज्यादा सा विश्वास नहीं करते चेहरों पे ज्यादा सा विश्वास नहीं करते। हम उन लोगों को आगे ले जाने का काम करेंगे जो विधानसभा और संसद के अंदर हमारी आवाज उठाना चाहे। मतलब सीधी सी बात है कि जो सड़क के साथ लड़ाई अब हमें विधानसभा और संसद की भी लड़नी पड़ेगी। रामनिवास जी आपने कहा कि UAPA मतलब UAPA का नीलम आजाद का मामला आप उठा रहे हो तो क्या लगता है नीलम आजाद ने गलत नहीं किया संसद में जाकर इस तरह मतलब जो तुम वाले बम फोड़े गए हैं स्मोक वाले इस तरह? जय हिंद वंदे मातरम। देखो सबसे बढ़िया UAPA के अंदर जो सरकार ने देखो पहली बार चार्जशीट नहीं दी है उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं लेकिन UAPA उसके ऊपर लगता है जो भाई आतंकवादी गतिविधियाँ मान किसी शख्स के ऊपर भाई इसकी आतंकवादी गतिविधियाँ आतंकवादी तार हैं तार जुड़े गए हैं और सरकार ने आज तक बहुत सारे आंदोलनकारियों पर UAPA जैसे मतलब संगीन धाराएं लगाई गई हैं और पीछे से जब मतलब 10-10 साल की जेल काटी है उन्होंने या मतलब लंबे केस चले हैं उन्होंने वो प्रताड़ना सहन की है तो वो UAPA पीछे से वो लोग निर्दोष भरी हुए हैं क्योंकि सरकार अपना पीठ थपथपाने के लिए या अपना विरोध कम करने के लिए क्रांतिकारी साथियों पर UAPA लगा देती है।
तो ऐसे ही हमारे साथी नीलम आजाद पे लगाया गया है। आपको बता दूं, नीलम आजाद हमारे उच्चारण का नहीं साथी है, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है और उसके कण कण में है ना देशभक्त लड़कियाँ। भाई साहब, मैंने तो पूरे मतलब किसान आंदोलन में देखा, ऐसी कोई लड़की नहीं मिली, मतलब इतनी गहराई से उसके अंदर न तो जातिवाद था भाई साहब, वो सभी समाज की देखो एक ओबीसी समाज से संबंध होते वो किसान आंदोलन में आई थी, और जबकि आपको पता है कि ये बहुल तक के उनसे समाज की थी। उसके बाद उसने मजदूरों मनरेगा में SC BC समार जाति के वाल्मीकि जाति उनकी आवाज़ उठाई, तो एक क्रांतिकारी लोग हैं भाई, वो किसी जाति धर्म के दोस्त ही नहीं। उसने वहाँ पे जो बात करी भाई, अपना नौजवानों की बात करी है, रोजगार की, मणिपुर मुद्दा उठाया है, और मणिपुर मुद्दा उठाया, मणिपुर के अंदर सभी को पता है क्या हो रहा है, क्योंकि एक जब क्रांतिकारी विचारधारा में जब लोग चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, हम भी जितना पढ़ रहे हैं, जितना स्टडी कर रहे हैं समाज को, उसकी मानसिक डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि वो देश को कौन से मुद्दे प्रभावित करते हैं उनको प्रपोज कर जाता है। जैसे कि किसान आंदोलन मुद्दा नहीं है, उसके लिए देश का मुद्दा भी है, रोजगार का मुद्दा भी है, रोजगार मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, वो उठाया। तो अब क्या मांग है नीलम आजाद के लिए? देखो भाई साहब, मांग तो यही है भाई, सरकार ये कह रही है भाई उसकी जाँच रहे, जाँच का नाम तो एक बात था, वो आपका साथी आपके साथ रह रही है, पता भाई कौन लोग देश भगत कौन गद्दार है। सरकार केवल उस सरकार को ये डर है कि भाई ये मतलब समाज देश के अंदर ये चेहरे बन गए और जाके BJP के खिलाफ प्रचार ना कर दे, सरकार को केवल ये डर है। और जहाँ तक उन लड़कों को भी देखा उसके साथ थे, आप गूगल खोलो उनको स्टडी करोगे, वो भी सारे देशभक्त विचारधारा सही है। और रही बात उनकी भाई कि भाई उन्होंने गलत किया सही किया, जब आदमी हम तो ये मानते हैं अगर उसको मरना होता ना, अगर वह फांसी खा के मर जाती ना, उससे बेटर है कि भाई उसने देश की आवाज़ को बुलंद किया है, जनता के मुद्दे उठाए हैं, तो भाई ऐसी मौत तो भाई देखो हम भी नहीं मरना चाहते, सीधी बात है, देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। रहेगी बात दूसरी, आपको बता दूं मेन बात है, संसद के अंदर है, संसद बहुत पवित्र चीज़ है यार, देश के कानून बनते हैं, जनता का भविष्य निर्धारित होता है वहाँ से, उन्होंने वहाँ पर जाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि भाई सरकार रोजी रोटी नहीं दे पा रही है, गरीब की बेटी दिहाड़ी नहीं कर सकती, इतनी पढ़ ली, तो भाई उसका रास्ता वहाँ जाने क्या हुआ? संसद के अंदर जो ब्रजभूषण जैसे चोर बैठे हैं, तब तक भाई वहाँ पर बलात्कारी और गुंडे किस्म के लोग हैं, देश को भारत माता को लूटने वाले लोग बैठे हैं। जिस दिन देश के अंदर ईमानदार, अगर ये देश के अंदर ईमानदार लोग बैठे होते और ये साथी वहाँ चले जाते, हम खुद ही इनकी फांसी की मांग करते कि वे फांसी होनी चाहिए। तो जो लोग खुद ही चोर हैं, वो दूसरे देशभक्त लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये आतंकवादी हैं, तो ये कदई भी दोहरा चेहरा सरकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम इस मुद्दे को पूरे हिसार लोकसभा के क्षेत्र के अंदर हर गरीब आदमी के SC BC OBC हर घर में लेकर जाएंगे, और अगर समाज का बढ़िया समर्थन मिला तो पूरे हरियाणा के अंदर हम BJP के खिलाफ प्रचार करने का काम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।